पहली बार कोई अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता विजेता कश्मीर आई है। ये है मौजूदा मिस वर्ल्ड कैरोलिना बिलावस्का, जो कश्मीर की खूबसूरती देखने पहुंची है। दरअसल वो एक कार्यक्रम के लिए एक दिवसीय दौरे पर श्रीनगर आई है। कैरोलिना बिलावस्का के कश्मीर दौरे का जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें उनके साथ मिस वर्ल्ड इंडिया सिनी शेट्टी और मिस वर्ल्ड कैरेबियन एमी पेना के संग कश्मीर की वादियों का आनंद लेते हुए नजर आ रही हैं। आएंगे तब हम कश्मीर कैसा है, कैसा उसका एसेंस है, ब्यूटी क्या है, वो हम महसूस कर पाएंगे और पूरी दुनिया को बोलेंगे। यही रीजन होगा मिस वर्ल्ड भी हो रहा है तो पूरा दुनिया देखेगा देश की। भारत में इस साल के अंत में आयोजित होने वाली मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता यानी इसके 71वें संस्करण से पहले बिलावस्का की जम्मू कश्मीर यात्रा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता के विजेता की पहली यात्रा है। कश्मीर के लिए, हमारे जम्मू कश्मीर के लिए बहुत गर्व की बात है कि दुनिया के, विश्व भर के अलग अलग देशों से बहुत सारी ब्यूटी, मिस वर्ल्ड, मिस कैरेबियन, मिस अमेरिका, मिस इंडिया आज यहाँ पे हैं। प्लस मिस वर्ल्ड की सीईओ जूलिया मोरे भी उनके साथ यहाँ आई हैं। प्लस उनको अभी आपने देखा डल लेक में, उन्होंने शिकारा राइड की और उनको बहुत सुंदर लगा। कश्मीर जिसको हम हमारे देश के सर का ताज कहते हैं, जन्नत कहते हैं, आज हमारे लिए बहुत अच्छा गर्व की बात है कि वो अलग अलग इतने दूर देशों से आज कश्मीर को की ब्यूटी और हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करने के लिए आई हैं और एक अच्छा मैसेज लेके वो बाहर जाएंगी, हमारे देश के बारे में अच्छी बात करेंगी, कश्मीर के बारे में बताएंगी, यहाँ पे उन्होंने क्या देखा, कैसे यहाँ के लोगों से मिली, उनको अच्छा लगा, निषाद बाग भी गई थी। सो आई थिंक ऑल इन ऑल अगर छोटी छोटी कोशिशें इंसान करता रहे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हिंदुस्तान में लोगों को दिखाने के लिए। और क्योंकि मैं कश्मीर की बेटी हूँ तो मेरा हमेशा फोकस ये रहता है कि कोई अच्छी चीज़ जब हमारे देश में आती है, जैसे G20 हुआ था कश्मीर में, तभी भी मैंने यही कहा था कि अलग अलग देश के कोनों में G20 हो रहा है और आज यहाँ कश्मीर में हो रहा है, तो एज इंडियंस, एज कश्मीरीज, वी शुड फील प्राउड। और अतिथिदेव भव का जो हम नारा है, जो हम फॉलो करते हैं, आई थिंक वो हमें करना चाहिए। और PME एंटरटेनमेंट जो कंपनी है, उनके चेयरमैन मिस्टर सैदी भी साथ में आए हुए हैं। तो आई थिंक इट्स ऑल रियली नाइस, सो लेट्स कीप दिस पॉजिटिविटी ऑन एंड वेलकम मोर एंड मोर पीपल टू कश्मीर, जिससे हमारे टूरिज्म को और ज्यादा बूस्ट मिले। भारत ने 6 बार ये प्रतिष्ठित खिताब जीता है और लगभग 3 दशकों के बाद प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। आखिरी बार देश ने इस कार्यक्रम की मेजबानी साल 1986 में की थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।